हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नारायणी व्लॉग में। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सुपर सुपर टेस्टी से नारियल के लड्डू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन, उस पर मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच। तो अब जो घी है वो हल्का हल्का गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी नारियल का बूरा। ये मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 300 ग्राम नारियल का बूरा। आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट को भी कद्दूकस करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इसको हल्का भूरा होने तक भून लेना है। तो अब इसका जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज होने लग गया है, हल्का हल्का भूरा सा हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। दूध मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लगभग 1.5 कटोरी। 1 कटोरी मैंने डाल दिया है। इसके बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करके 1/2 कटोरी दूध मैं इसमें और डालूँगी। और जो नारियल का बूरा है वो भी मैंने इसी कप के हिसाब से लिया है, लगभग 3 कप। और 1.5 कप मैंने यहाँ पर लिया है दूध। तो अब आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो नारियल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और मैं इसको लगातार चला रही हूँ, वरना ये जो है नीचे लग जाएगा। जो नारियल का बूरा होता है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जलने के, तो हमें इसको लगातार चलाते रहना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1/2 कटोरी चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कटोरी चीनी भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 कप पाउडर वाला दूध। आप चाहे तो इसके बदले खोया का यूज़ भी कर सकते हैं। पाउडर वाले दूध से बिल्कुल खोए की तरह टेस्ट आता है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इसी तरीके की होनी चाहिए। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। ये है हमारा लड्डू का मिक्सचर जो हमने बना के रेडी किया है। और ये है सूखा नारियल का बूरा जिसको कि हमने लड्डू को कोटिंग करने के लिए लिया है। अभी लड्डू का जो मिक्सचर है वो हल्का हल्का गर्म है, तो इसी स्टेज पर हम जो लड्डू है वो बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हाथ में लेके इसको हम बॉल की शेप का बना लेंगे। इस तरीके से प्रेस कर करके ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। और अब ये जो सूखा नारियल का बूरा हमने रखा था उसमें हम ये जो लड्डू है इसको अच्छे से कोट कर देंगे। अच्छे से इसको राउंड राउंड कर दूंगी मैं इसमें। और ये देखिए कितना अच्छा नारियल का लड्डू बनके एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल में बनके रेडी हुआ है। तो बाकी के लड्डू भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो लीजिए बनके रेडी है बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी नारियल के लड्डू। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट ये बना है। ये देखिए कितना ईजीली ये टूट रहा है लड्डू। तो आप भी इसको आज ही बना के ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।